टू माई चैनल इनोवेटिव कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे टेस्टी पनीर लबाबदार की रेसिपी। इस रेसिपी को फॉलो करके आप रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी और टेस्टी पनीर लबाबदार अपने घर पे बना सकते हैं। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो पनीर लबाबदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और गैस को मैंने ऑन कर लिया है और इस पैन में मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून घी। घी गर्म हो गई है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 इलायची, 4 लौंग और 1 सिनेमन का टुकड़ा। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 ग्रीन चिली, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है और 5 क्लव्स गार्लिक है, लहसुन। ऐड करूँगी ये प्याज, यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिया है, प्याज को मैंने बिल्कुल रफली चॉप कर लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। चार पाँच मिनट के बाद यहाँ पर प्याज का कलर चेंज होने लगा है और प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो इस स्टेज पे अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, ऐड करूँगी टमाटर, यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, टमाटर को मैंने बिल्कुल रफली चॉप कर लिया है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। दो मिनट के बाद मसाले भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी काजू और मेलन सीड्स, यहाँ पर मैंने अराउंड 15-20 काशू नट्स लिए हैं काजू, और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है मेलन सीड्स, खरबूज के बीज, यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून मेलन सीड्स लिया है और इन दोनों चीज़ों को मैंने बिल्कुल गर्म पानी में भिगो कर रखा है फॉर अराउंड 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से गर्म पानी में भिगो कर रखा है। तो अब मैं इसे पानी के साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। काजू और मेलन सीड्स भी अच्छे से फ्राई हो गई है तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। इस मिक्सचर को अब हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से ठंडा करके ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंड करके मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। मैंने वापस से उसी पैन का यूज़ किया है, गैस को मैंने ऑन कर लिया है और इस पैन में मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून घी। घी अच्छे से गर्म हो गई है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये प्यूरी। इस मिक्सर जार में मैंने ऐड किया है 1/2 कप पानी, इसे भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। नमक ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, चीनी ऐड करूँगी, 1 टीस्पून क्रश कसूरी मेथी। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की लग रही है और ये अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 250 ग्राम्स पनीर, यहाँ पर मैंने घर के बने फ्रेश पनीर का यूज़ किया है। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने इस पनीर को घर पे कैसे बनाया है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसे हम अच्छे से स्टर कर लेंगे, पनीर को हम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है और अब इस पनीर लबाबदार को हम कवर कर देंगे। मैं इसे कवर करके कुक कर लूँगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इसका लिड हटा लेती हूँ। ये सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। ये पनीर लबाबदार बिल्कुल क्रीमी, सिल्की एंड स्मूथ बनी है जैसा हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो अभी मैं इसे एक सर्विंग बोल में सर्व कर लेती हूँ। स्मूथ, सिल्की एंड क्रीमी ये पनीर लबाबदार को मैंने सर्विंग बोल में सर्व कर लिया है और ये बहुत यम्मी लग रही है। आप इसे रोटी, पराठे, नान या फिर पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये पनीर भी बिल्कुल सॉफ्ट है और सब्जी बहुत यम्मी लग रही है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली और अपने नेबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।